Hi everyone, the topic for today's discussion is hypothyroidism in pregnancy. The incidence of hypothyroidism in pregnancy in India in various studies ranges from about 5 to 12% of all pregnancies. So before we actually go into the hypothyroidism of pregnancy, it is important for us to understand the physiology of the thyroid hormone. So here I'm drawing the structure of the brain. Okay, this is a rough diagram of the brain where we have a part of the brain which is called as hypothalamus, which is basically a group of nuclei. Yahan se release ek hormone hota hai which is called as the TRH, also called as thyrotropin releasing hormone. Ye aake function karta hai hamare pituitary glands ke upar. So as we know ki pituitary ke do parts hote hain, ek anterior pituitary aur dusra kehlata hai posterior pituitary. तो ये जो थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है ये हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी पे वर्क करता है और वहां से रिलीज होता है थायरोट्रोपिन, आल्सो कॉल्ड एज TSH और थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. ये पहुंचता है हमारे थायरॉइड ग्लैंड पे एंड एज वी नो द थायरॉइड ग्लैंड इज सिचुएटेड इन द एंटीरियर पार्ट ऑफ द नेक. तो जो ये थायरॉइड ग्लैंड है इसके ऊपर फंक्शन करता है हमारा TSH और यहां से रिलीज होते हैं दो इंपॉर्टेंट हॉर्मोन्स. वन इज द T3 एंड द अदर इज द T4. दोनों ही आयोडीन कंटेनिंग हॉर्मोन्स हैं. जब भी आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है तो T3 T4 के लेवल्स ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं. तो T3 इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्राई आयोडोथायरोनिन. ट्राई इसलिए क्योंकि इसके अंदर आयोडीन के 3 एटम्स होते हैं. सिमिलरली जो T4 होता है इसके अंदर 4 एटम्स होते हैं आयोडीन के एंड दिस इज व्हाट वी कॉमनली कॉल्ड एज द थायरोक्सिन हार्मोन. तो जब ये दोनों हार्मोन्स थायरॉइड ग्लैंड से प्रोड्यूस होते हैं सो दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ द ह्यूमन बॉडी. जब ये दोनों रिलीज होते हैं तो ये एक नेगेटिव फीडबैक एग्जर्ट करते हैं हाइपोथैलेमस पे भी और पिट्यूटरी की वेल पे भी. तो इनका जो रेगुलेशन है वो ये है कि ये ले जाके अपना सिक्रीशन खुद ही सप्रेस करते हैं डिपेंडिंग ऑन द लेवल्स ऑफ द हार्मोन इन द बॉडी. नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये जो दोनों हार्मोन्स होते हैं ये हमारी बॉडी में एक प्रोटीन होती है विच इज कॉल्ड एज TBG और थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन. तो जो ये दोनों हार्मोन्स होते हैं ये हमारे ब्लड में इस प्रोटीन के साथ बाइंड करके अवेलेबल होते हैं पर इसका एक थोड़ा कंपोनेंट होता है जो कि फ्री रह जाता है विच इज वी नॉर्मली कॉल्ड एज द फ्री T3 एंड फ्री T4. तो जो फिजियोलॉजिकली इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है बॉडी में जो अवेलेबल होता है फॉर मेटाबॉलिक पर्पसेस दैट इज योर फ्री T3 एंड फ्री T4. बाकी जितना भी होता है वो हमारे थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन के साथ बाइंड करके हमारे ब्लड में अवेलेबल रहता है. सो दिस इज अबाउट योर नॉर्मल फिजियोलॉजी ऑफ द थायरोक्सिन हार्मोन. Now, it is important to understand what are the changes that happen during pregnancy in the thyroid hormones. जो fetus होता है वो शुरू के पूरे first trimester, even up to 20 weeks, maternal thyroxin पे dependent होता है for its own metabolic needs. क्योंकि उसका खुद का thyroxin production तब तक start नहीं होता है. In fact, up to 30% of the thyroid hormone in the umbilical cord at the time of delivery is of maternal origin. So now what are the changes in the maternal homeostasis of thyroxin hormone? So if we talk about the gland, the thyroid hormone production in a normal pregnancy may range from up to 40% to 100% of what it was before pregnancy. साथ साथ ये भी देखा गया है कि जो thyroid gland है उसका भी size कभी कभी बढ़ जाता है to meet the increased demands. And it may reach up to 15 ml
द वॉल्यूम ऑफ द थायराइड ग्लैंड. बट एक चीज याद रखिएगा, एनी गॉइटर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज नॉट नॉर्मल. नाउ कमिंग टू द टीआरएच, क्या टीआरएच में कोई चेंज होता है या थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन में? सो एक्चुअली नो, टीआरएच के लेवल्स में कोई खास चेंज नहीं आता. कमिंग टू द टीबीजी लेवल, द थायरॉयड बाइंडिंग ग्लोबुलिन, मतलब वो प्रोटीन जिसके साथ हार्मोन बाइंड रहता है. तो मैं एक ग्राफ बना रही हूं एंड ये मान के चलते हैं कि अबाउट 20 वीक्स कट ऑफ है, क्योंकि यहां से यूजुअली हमारे फीटस के खुद का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है. तो देखा ये गया है कि जो थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन है इसका लेवल धीरे धीरे 20 वीक्स तक बढ़ता है और फिर बाकी प्रेगनेंसी में ये स्टेबलाइज हो जाता है. ये प्रोडक्शन इसलिए बढ़ता है क्योंकि ईस्ट्रोजन प्रेगनेंसीज में बढ़ जाता है और उसका एक्शन होता है लिवर के ऊपर और वो वहां से इसका प्रोडक्शन बढ़ा देता है. तो जब थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन बढ़ता है तो हमारी बॉडी में जो टोटल T4 है वो भी बढ़ जाता है. सो दिस इज द लेवल्स ऑफ टीबीजी एंड दिस इज द लेवल ऑफ टोटल T4. टोटल क्यों? क्योंकि वो पूरा जो टीबीजी के साथ बाइंड है उसके भी लेवल धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं. नाउ व्हाट इज द कोरिलेशन बिटवीन TSH एंड प्रेगनेंसी इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड द मोस्ट. होता क्या है कि जब जाइगोट इम्प्लांट होता है यूट्रस के अंदर तो ओवरी के अंदर जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है वो धीरे धीरे प्रोड्यूस करना शुरू करता है एक हार्मोन जिसको हम बोलते हैं HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन. TSH और HCG का स्ट्रक्चर काफी सिमिलर है. बोथ ऑफ देम आर ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड द अल्फा सब यूनिट्स. इसके दो पार्ट होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स के, एक होता है अल्फा सब यूनिट, दूसरा होता है बीटा सब यूनिट. सो द अल्फा सब यूनिट ऑफ TSH एंड HCG आर सेम, बिकॉज ऑफ विच HCG के काफी सारे फंक्शन जो है वो TSH की तरह दिखते हैं. सिर्फ दोनों का बीटा चेन डिफरेंट होता है. तो होता क्या है कि जब प्रेगनेंसी इम्प्लांट होती है और कॉर्पस ल्यूटियम से HCG का प्रोडक्शन बढ़ता है धीरे धीरे, क्योंकि प्लेसेंटा आने के बाद वो अपने आप घट जाता है, तो HCG का लेवल शुरू शुरू में बढ़ना शुरू करता है. और ये HCG क्योंकि TSH को काफी रिजेंबल करता है तो ये TSH की ही तरह काम करता है हमारे थायराइड ग्लैंड के ऊपर और वहां पे थायरोक्सिन हार्मोन का प्रोडक्शन धीरे धीरे बढ़ने लगता है. तो शुरू शुरू में प्रेगनेंसी में जो फ्री T4 लेवल्स है वो भी बढ़ने शुरू हो जाते हैं. ओके, सो दिस इज द फ्री T4. ये क्यों बढ़ रहा है? ये इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि HCG रिजेंबल करता है TSH को और HCG TSH की तरह जाके थायराइड हार्मोन ग्लैंड के ऊपर फंक्शन करके फ्री T4 के लेवल्स को धीरे धीरे बढ़ाना शुरू करता है इन द अर्ली पार्ट ऑफ प्रेगनेंसी. नाउ व्हाट दिस फ्री T4 डज इज, क्योंकि ये अपना मेटाबॉलिज्म खुद कंट्रोल करते हैं तो ये जाके एक्ट करता है हमारे पिट्यूटरी के ऊपर और TSH के लेवल्स को डाउन कर देता है. तो जैसे जैसे HCG का लेवल बढ़ता है और फ्री T4 के लेवल बढ़ते हैं वैसे थोड़ी देर के लिए हमारा जो TSH का लेवल है वो डाउन हो जाता है. सो इन द इनिशियल पार्ट ऑफ द प्रेगनेंसी दिस TSH लेवल गोज डाउन. नाउ दिस इज ऑफ क्लिनिकल सिग्निफिकेंस. वो इसलिए क्योंकि जो हमारी लेडीज हैं जो ऑलरेडी सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट्स हैं उनमें ये रीडिंग एक एरर दिखा सकती है और हमें डाउट में डाल सकती है कि क्या वाकई में ये हाइपोथायरॉयड है या HCG बढ़ा, उसने फ्री T4 बढ़ा दिया, उसकी वजह से TSH सप्रेस हो गया इसलिए ये लेवल घटा हुआ है. तो इसको समझने के लिए अब हम आगे बढ़ते हैं. So, having understood the normal physiology of TSH in pregnancy, it is important to understand कि जो hypothyroidism की diagnosis होती है वो TSH levels पे depend करती है. तो जो कुछ cut-off values हैं वो हमें याद रखने की जरूरत है. First trimester में जो upper cut-off है TSH का एक pregnant woman में वो है 2.5 milli international units per liter और second और third दोनों ही trimesters में जो upper cut-off है वो है 3 मिली इंटरनेशनल यूनिट्स पर लीटर.
अगर इससे ज्यादा हमें TSH के वैल्यूज मिलते हैं देन वी से दैट दिस इज अ केस ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म. जो लोअर वैल्यू है इट इज वेरी इजी टू रिमेंबर. फर्स्ट ट्राइमेस्टर में है 0.1 से 2.5, सेकेंड ट्राइमेस्टर में है 0.2 से 3 और थर्ड ट्राइमेस्टर में है 0.3 से 3 मिली इंटरनेशनल यूनिट्स पर लीटर इन अ नॉर्मल प्रेग्नेंट वुमेन. So, what is the mechanism to detect hypothyroidism in pregnancy? It is through screening. कुछ maternal conditions, जैसे gestational diabetes में हम universal screening follow करते हैं. मतलब जितनी भी pregnant ladies आती हैं, सबकी हम screening करते हैं to rule out gestational diabetes. Hypothyroid के cases में कुछ high risk factors हैं जिनकी ladies को हम screen करते हैं for maternal hypothyroidism. High risk women to be screened for hypothyroidism. पहला, विमेन हु आर रेजिडेंट ऑफ तराई रीजन्स या हिली रीजन्स. दूसरा, जिन महिलाओं में हमें एग्जामिनेशन पे एविडेंस ऑफ गोइटर मिलता है और एल्स दे हैव सिम्टम्स ऑफ थायराइड डिसफंक्शन लाइक वेट गेन, कोल्ड इंटॉलरेंस, टायर्डनेस, ड्राई स्किन, कॉन्स्टिपेशन एटसेट्रा. तीसरा, patients who have undergone some thyroid surgery. Chautha, women who have a history of infertility. Kehne ka matlab, they have not been able to conceive even after 1 year of unprotected intercourse. Panchwa, history of recurrent abortions ya miscarriages, preterm delivery, previous intrauterine death, pre-eclampsia or eclampsia in previous pregnancy ya current pregnancy. Sixth, there is a history of mental retardation in the previous babies of the same mother or in the family. Seventh, there is history of dysfunction in first degree relatives, jaise ki parents, bhai behen, bacche, etc. And eighth, obese patients. Obesity हम decide करते हैं based on the body mass index. So if the pre-pregnancy or first trimester body mass index is more than 30 kg per meter square, then the patient is considered to be obese. तो ये जितने patients होते हैं, they are considered to be at high risk for hypothyroidism in this pregnancy. So now coming to the screening of hypothyroidism in a pregnant woman. Hamesha yaad rakhiyega ki thyroid examination is a very important component of the overall antenatal examination of for any pregnant woman. Uske basis pe hame kabhi kabhi goiter waise bhi detect ho sakta hai jo mother history na bhi de. But jo definitive diagnosis nikal kar aati hai wo nikal kar aati hai through the blood sampling of TSH levels. So based on the TSH levels agar फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 2.5 मिली इंटरनेशनल यूनिट से कम है और सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में 3 मिली इंटरनेशनल यूनिट से कम है तो वो मदर हाइपोथायराइड नहीं है. लेकिन अगर इन कट ऑफ से ज्यादा है तो हमारे जो मदर्स हैं वो दो कैटेगरी में क्लासिफाई की जा सकती हैं. पहला जिनको हम बोलते हैं ओवर्ट हाइपोथायराइडिज्म. ओवर्ट हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है, पहली कंडीशन ये कि TSH लेवल्स बढ़ जाते हैं और जो फ्री T4 लेवल्स होते हैं वो कम हो जाते हैं. लेकिन अगर कोई मदर ऐसी है जिसके TSH की वैल्यू मोर देन या इक्वल टू 10 मिली इंटरनेशनल यूनिट्स पर लीटर हो जाती है तो वो ओवर्ट हाइपोथायराइडिज्म है. फिर हम उसमें T4 की वैल्यूज को नहीं देखते. सो द TSH वैल्यू ऑफ मोर देन 10 मिली इंटरनेशनल यूनिट्स इन इटसेल्फ इंडिकेट्स ओवर्ट हाइपोथायराइडिज्म. जो दूसरे सबसेट ऑफ पेशेंट्स होते हैं वो होते हैं सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म. नाउ व्हाट इज सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म? सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म का मतलब होता है कि इनका जो TSH लेवल होता है वो हाई होता है बट जो फ्री T4 लेवल्स होते हैं वो विद इन नॉर्मल रेंज होते हैं. सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. So now, what are the causes of hypothyroidism in pregnancy?
यूजुअली ये देखा गया है कि प्रेगनेंसी में हाइपोथायरॉयडिज्म जिन महिलाओं में पहले नहीं पता होता था वो प्रेगनेंसी में डिटेक्ट हो जाता है, क्योंकि जब डिमांड्स बढ़ते हैं तो बॉडी डिकॉम्पेंसेट कर जाती है. इंडिया में काफी सारे ऐसे बेल्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल द हिली रीजन्स या जो तराई बेल्ट है इंडिया में, जहां पे आयोडीन डेफिशिएंट एरियाज हैं. तो ऐसी लेडीज क्योंकि आयोडीन डेफिशिएंट होती हैं और T3 T4 दोनों ही आयोडीन कंटेनिंग हॉर्मोन्स हैं, तो उनके अंदर हाइपोथायरॉयडिज्म के चांसेस ज्यादा होते हैं. रूरल बैकग्राउंड में काफी सारे लोग गांव में जिसको बोलते हैं खड़िया नमक, वो सॉलिड रॉक नमक आता है, उसको पीस के वो लोग खाने में डालते हैं और वो आयोडाइज सॉल्ट यूज नहीं करते, जिसकी वजह से वो ज्यादा प्रीडिस्पोज्ड होते हैं टू डेवलप हाइपोथायरॉयडिज्म. कुछ लोगों के अंदर एक एंटीबॉडी होती है विच इज कॉल्ड एज TPO एंटीबॉडी, जो कि ऑटो इम्यून थायरॉयडाइटिस कॉज करती है. इसकी वजह से भी हमारे जो बॉडी के थायरॉयड लेवल्स हैं वो कम हो सकते हैं. सो दीज आर सम ऑफ द कॉमन कॉजेज ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म. नाउ द पॉइंट इज कि क्या ये प्रेगनेंसी के लिए इंपॉर्टेंट है? आखिर हम प्रेगनेंसी में थायरॉयड हार्मोन को लेकर इतना वरिड क्यों है? वो इसलिए क्योंकि इसके कुछ मेटर्नल इम्प्लीकेशंस भी होते हैं और कुछ फीटल इम्प्लीकेशंस भी होते हैं. Hypothyroidism in pregnancy can have some serious maternal implications, जैसे recurrent abortions. पर ये ध्यान रखिए कि जो hypothyroidism की वजह से abortions होते हैं वो mostly early first trimester pregnancies में ही हो जाते हैं. Hypothyroidism की वजह से maternal anemia के chances बढ़ जाते हैं. There are increased risk of preeclampsia and gestational diabetes. There is also an increased risk of abruptio placentae. Delivery ke baad PPH ka chance badh jata hai. Because these mothers are increased risk of fetal distress, to cesarean section ke bhi chances hypothyroid mothers mein badh jate hain. Bahut severe cases mein, especially agar saath mein anemia hai, to mother ko congestive cardiac failure bhi develop ho sakta hai. Now, what are the fetal implications of maternal hypothyroidism? There is an increased risk of preterm birth and associated morbidity with prematurity. Bacche ke andar intrauterine growth restriction ya IUGR ho sakta hai. Severe cases mein intrauterine death bhi ho sakti hai fetus ki. At the time of delivery, birth asphyxia aur baad mein respiratory distress ho sakta hai. Because of these reasons, there is an increased risk of overall perinatal mortality in the fetus. We also have to remember ki jo thyroxin hormone hai, wo fetal brain development ke liye bahut hi critical hai. To aise bacche jab bade hote hain, to there are chances of cognitive, neurological and development impairment in the child as the child grows up. So now coming to the treatment of hypothyroidism in pregnancy. The drug which is given is called as levothyroxine sodium. Levothyroxine sodium ki jo tablets hai wo easily mil jati hai market mein in the strength of 25, 50 ya 100 micrograms. And this drug is a class A drug as per the US FDA classification, meaning to say it is very safe in pregnancy with no known contraindications. Iske side effects bhi nahi hote hain agar hum dose ko dhang se titrate kar dein. Now, how is this drug given? Hame client ko ye samjhana hota hai ki subah utke sabse pehle isko aap khali pet khaoge aur iske aadhe ghante baad hi fir aap apna breakfast karoge. अगर कोई क्लाइंट किसी दिन अपनी डोज भूल जाती है सुबह उठकर, तो उनको जब भी याद आए वो उसको ले सकते हैं. और अगर आज का पूरा दिन वो भूल गई तो अगले दिन सुबह वो दो टैबलेट्स एक साथ खा सकते हैं. तो ये तो हो गई इसकी ड्रग. सो द डोजिंग ऑफ लिवोथायरॉक्सिन डिपेंड्स ऑन द TSH वैल्यूज दैट हैव बीन मेजर्ड. तो जिनका फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 2.5 मिली इंटरनेशनल यूनिट से कम है या सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में 3 मिली इंटरनेशनल यूनिट से कम है, उन्हें तो थायरोक्सिन देने की जरूरत ही नहीं है. नाउ द फर्दर क्लासिफिकेशन इज इनटू टू ग्रुप्स ऑफ पेशेंट्स. पहले वो
जिनका TSH वैल्यू 2.5 और 10 मिली इंटरनेशनल यूनिट्स के बीच में आया है, और दूसरे वो जिनका मोर देन इक्वल टू 10 मिली इंटरनेशनल यूनिट्स पर लीटर के बीच में आया है, जिनको हम ओवर्ट हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं। तो जिनका इस रेंज में है उनको हम 25 माइक्रोग्राम्स की टैबलेट्स शुरू करते हैं अर्ली मॉर्निंग ऑन एम्प्टी स्टमक, और ये डोज चलती रहती है टिल 6 वीक्स। 6 हफ्ते बाद फिर से हम TSH रिपीट करा के देखते हैं, एंड अकॉर्डिंग टू द मेजर्ड वैल्यूज अगर हमें लगता है कि हमें टाइट्रेट करने की जरूरत है तो हम डोज को टाइट्रेट कर सकते हैं। याद रखिएगा कि जो लोअर लेवल है TSH का वो 0.1 मिली इंटरनेशनल यूनिट्स पर लीटर से नीचे नहीं जाना चाहिए। तो इस तरह से ये डोज चलती रहती है। ये कब तक चलेगी? टिल द टाइम ऑफ डिलीवरी। डिलीवरी के बाद इन ग्रुप के क्लाइंट्स को हम पोस्टपार्टम पीरियड में थायरॉक्सिन स्टॉप कर देते हैं, फर्दर देने की जरूरत नहीं है। नाउ कमिंग टू दिस ग्रुप, मतलब हमने जब स्क्रीनिंग करी तो उनका TSH का वैल्यू 10 मिली इंटरनेशनल यूनिट से ज्यादा आया। ऐसे पेशेंट्स को हम सीधे 50 माइक्रोग्राम्स की टैबलेट्स स्टार्ट करते हैं। अगेन आफ्टर 6 वीक्स हम इनका TSH रिपीट करा के देखते हैं, और अगर वो डोज को फिर से टाइट्रेट करने की जरूरत होती है तो वो कर दी जाती है, एंड ये डोज फिर कंटिन्यू चलती है टिल द टाइम ऑफ डिलीवरी। लेकिन इस ग्रुप और इस ग्रुप में डिफरेंस ये है कि इनकी हम पोस्टपार्टम पीरियड में भी ट्रीटमेंट को कंटिन्यू रखते हैं। ओके, सो वी कंटिन्यू द ट्रीटमेंट इवन इन द पोस्टपार्टम पीरियड। 6 वीक्स के बाद डिलीवरी के हम फिर से इनका TSH वैल्यू मेजर करते हैं, एंड देन डिपेंडिंग अपॉन द TSH वैल्यूज एट दैट टाइम द क्लाइंट इज देन रेफर्ड टू अ फिजिशियन, वो वहां से उस पेशेंट को टेक ओवर कर लेते हैं। सो ये तो मैनेजमेंट हो गया उन लेडीज का जिनको हमने स्क्रीन करा और प्रेगनेंसी के समय उनको हाइपोथायरॉयडिज्म डिटेक्ट हुआ बेस्ड ऑन द TSH लेवल्स। नाउ व्हाट अबाउट दोज वुमेन हु वर ऑलरेडी हाइपोथायरॉयड, जो पहले से थायरॉक्सिन ट्रीटमेंट ले रहे थे और अब वो प्रेग्नेंट हो गए, उनके डोजेस हम कैसे ट्राइट्रीट करते हैं? तो प्लीज हैव अ लुक एट दिस चार्ट। जो क्लाइंट्स पहले से हाइपोथायरॉयडिज्म का ट्रीटमेंट ले रहे थे, हम प्रेगनेंसी में उनका TSH रिपीट कराते हैं, और अगर वो विद इन नॉर्मल रेंज आ जाता है तो हमें उनकी डोज ऑल्टर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर किसी का फर्स्ट ट्राइमेस्टर में TSH 2.5 मिली इंटरनेशनल यूनिट से ज़्यादा होता है और सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में मोर देन 3 मिली इंटरनेशनल यूनिट्स पर लीटर से ज़्यादा होता है, तो हमें उनकी प्री एग्जिस्टिंग डोज को 25 माइक्रोग्राम से चेंज करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई प्रेगनेंसी से पहले 25 माइक्रोग्राम्स थायरॉक्सिन ले रहा था तो उसे बढ़ा के हम 50 माइक्रोग्राम्स कर देते हैं। अगर कोई पहले से 50 ले रहा था तो उसे बढ़ा के 75 कर देते हैं। जो पहले से 75 ले रहे होते हैं उन्हें बढ़ा के हम 100 कर देते हैं, और जो क्लाइंट्स पहले से 100 माइक्रोग्राम्स ले रहे होते हैं उन्हें हम प्रेगनेंसी में 125 माइक्रोग्राम्स पे इंक्रीज कर देते हैं। लेकिन इसी के साथ 6 वीक्स पे हम फिर से TSH रिपीट करा के देख लेते हैं कि उनके TSH के वैल्यूज विद इन नॉर्मल रेंज इन प्रेगनेंसी आए या नहीं। नाउ आर देयर एनी स्पेशल कंसिडरेशंस फॉर द डिलीवरी ऑफ अ हाइपोथायरॉयड प्रेग्नेंट मदर? सो यस, हमेशा ऐसी मदर्स को हमें लेबर के समय वॉच करना चाहिए, क्योंकि इनको हो सकता है फीटल डिस्ट्रेस डेवलप हो जाए, और जैसा कि मैंने पहले दिखाया PPH के चांसेस भी हाई हो जाते हैं, स्पेशली अगर मदर एनीमिक है तो रिस्क और बढ़ जाता है। तो अगर आप किसी लोअर सेंटर पे पोस्टेड हैं और आपके पास कोई मेडिकल बैकअप नहीं है तो हमें इनको एक हायर मेडिकल सेंटर पे रेफर कर देना चाहिए, जहां पे एक मेडिकल टीम हो जो PPH मैनेज करने के लिए केपेबल हो। जो न्यूबॉर्न बेबी होता है वो कभी कभी एस्फिक्सिएटेड निकल सकते हैं, तो हमें उनकी रिसेसिटेशन के लिए रेडी रखना चाहिए और उनका फिर एक पीडियाट्रिक वर्कअप करवा देना चाहिए, तो ये देखने के लिए कि उनके अंदर कोई और कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है। एंड बिफोर वी एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू टॉक ब्रीफली अबाउट पोस्टपार्टम थायरॉयडाइटिस। नाउ व्हाट इज पोस्टपार्टम थायरॉयडाइटिस और ये हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? अराउंड 5-10% ऑफ द वुमेन मे डेवलप पोस्टपार्टम थायरॉयडाइटिस विद इन द फर्स्ट ईयर ऑफ डिलीवरी,
स्पेशली अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में उनको एंटी थायराइड एंटीबॉडीज हमने डिटेक्ट की हैं, तो उनमें से 50% विमेन विल डेवलप पोस्टपार्टम थायराइडाइटिस. एंड द सिम्टम्स ऑफ पोस्टपार्टम थायराइडाइटिस कैन रेंज बिटवीन सिम्टम्स ऑफ हाइपरथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म और बोथ. और यूजुअली ये अनडायग्नोस्ड या मिसडायग्नोज हो जाता है क्योंकि लोग इसको पोस्टपार्टम डिप्रेशन या पोस्टपार्टम थकान या पोस्टपार्टम मूड स्विंग्स के साथ कंफ्यूज कर देते हैं. तो होता यह है कि जिन पेशेंट्स के अंदर टीपीओ एंटीबॉडीज पॉजिटिव होती हैं, ओके, सो दीज आर द टीपीओ एंटीबॉडीज विच आर एक्चुअली एक्टिव अगेंस्ट थायरॉइड पेरोक्सीडेज एंजाइम. सो द पेशेंट्स हु हैव टीपीओ एंटीबॉडीज इन देम, उनके अंदर ये थायरॉइडाइटिस डेवलप होने के चांसेस ज्यादा होते हैं. शुरू शुरू में डिलीवरी के एक दो महीने के बाद देर इज अ डिस्ट्रक्शन ऑफ द थायरॉइड ग्लैंड बिकॉज ऑफ द एंटीबॉडीज विच लीड्स टू सिम्टम्स ऑफ थायरोटॉक्सिकोसिस, मतलब फटीग, पैल्पिटेशंस, नर्वसनेस, ये सारे सिम्टम्स मदर कंप्लेन करती है. अगर इस समय हम इनके मेजरमेंट्स करें हॉर्मोन्स के, तो हमें एक तो टीपीओ एंटीबॉडीज पॉजिटिव मिलते ही हैं, साथ में क्योंकि थायरोटॉक्सिकोसिस होता है तो इस समय जो इसके हॉर्मोन लेवल्स होते हैं फ्री T4 के, वो बढ़े होते हैं बिकॉज ऑफ द इंक्रीज रिलीज फ्रॉम द ग्लैंडुलर डिस्ट्रक्शन. ये फेज कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक चलता है. इस समय जो बेस्ट ट्रीटमेंट है वो होता है बीटा ब्लॉकर्स के साथ, क्योंकि उससे जो आपके थायरोटॉक्सिकोसिस के सिम्टम्स है वो सप्रेस हो जाते हैं. ग्रेजुअली ओवर द नेक्स्ट 4 to 8 months जो पिक्चर डेवलप होती है वो हाइपरथायरॉयडिज्म से शिफ्ट हो जाती है टूवर्ड्स हाइपोथायरॉयडिज्म. एंड इसमें ये होता है जो हमारे नॉर्मल हाइपोथायरॉयड के सिम्टम्स में होता है कि हमारा TSH का वैल्यू बढ़ने लगता है क्योंकि T4 के लेवल्स नीचे आने लगते हैं. सो नाउ वी स्टार्ट द पेशेंट्स ऑन थायरोक्सिन रिप्लेसमेंट थेरेपी. और यूजुअली जब हम 6 months तक थायरॉइड रिप्लेसमेंट दे देते हैं तो पोस्टपार्टम थायरॉइडाइटिस एक सेल्फ लिमिटिंग कंडीशन है और अपने आप धीरे धीरे नॉर्मल हो जाती है. जिनके अंदर टीपीओ एंटीबॉडीज पॉजिटिव होता है उनके अंदर ये रिस्क रहता है कि वो लॉन्ग टर्म हाइपोथायराइड के पेशेंट्स बन जाएंगे और उन्हें हमें एक फिजिशियन के केयर में डालना पड़ता है टू मैनेज द हाइपोथायराइडिज्म लेवल्स. सो दिस इज अबाउट मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस एंड द रिस्क एसोसिएटेड विद हाइपोथायराइडिज्म इन प्रेगनेंसी. आई होप यू फाउंड इट यूजफुल. इफ यू लाइक दिस प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल लर्न ओबीजी विद डॉक्टर वंदना. लाइक, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड वॉच फॉर मोर सच टॉपिक्स रिलेटेड टू रूटीन ऑब्स एंड गायनी प्रैक्टिस कमिंग योर वे. थैंक यू एंड बाय. टू गेट मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन.